फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश टू में। आज की जो हम बात करने वाले हैं, एसएससी फेस 10 का फाइनल अंतिम कट ऑफ क्या रहने वाला है, कुछ मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं। और मैं काफी ज्यादा एनालिसिस किया हूं, काफी लोगों से पूछा हूं, पोल किया हूं, डाटा मंगवाया हूं, सब कुछ किया हूं, तब जाके मुझे कट ऑफ पता लगा है, फाइनल अंतिम कट ऑफ, जिससे आप एग्री हो पाएंगे। और जो कट ऑफ है वो वास्तविक पर निर्भर रहने वाली है फिलहाल, ठीक है। तो पहले कुछ मुद्दे पे बात करते हैं, क्या है मुद्दे, ठीक है। उससे पहले अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे आपको अपडेट्स और स्कॉलरशिप वीडियोस और बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन को बटन को दबा देना, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपकी जो वैकेंसी, आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी में जो वैकेंसी आपकी 915 वैकेंसीज है। टोटल मिला के आपकी जो वैकेंसी होती है 2065 वैकेंसी आपके एसएससी फेस 10 में दी जाती है फ्रेंड, ठीक है। तीन लेवल में आपका एग्जाम होता है, 10, 12 और ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। अब इसमें काफी बच्चे भी बोल रहे हैं, सर हमारे इस रीजन में हमारे 170 नंबर बन रहे हैं, मैट्रिक पास हैं, सर क्या नंबर आ जाएगा। तो मैं बोला आपकी पोस्ट कितनी है, बोला 17 पोस्ट है। अगर आपकी पोस्टें कम है, मान लीजिए अगर आपकी पोस्टें कम है तो आपकी कट ऑफ हाई जाने वाली। कट ऑफ डिपेंड करता है आपकी पोस्ट पे। कल को मैं आपको कट ऑफ बता दूं 130 प्लस, आप बोलेंगे नहीं 130 प्लस नहीं जाएगा सर, गलत बता रहे हो आप, 130 प्लस कैसे जाएगा कट ऑफ। भाई डिपेंड करता अपनी इस रीजन है, अपना जो भी रीजन है उसमें आपकी पोस्ट कितनी है, ठीक है। अगर आपकी पोस्ट ही मान कुल मिला के 18 है और बच्चे देने वाली संख्या उसमें ज्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कट ऑफ किस प्रकार जाने वाला है। ये कोई बात थोड़ी ना हुई फ्रेंड, ठीक है, इससे आप एग्री करते हैं। दूसरी बात मैं आपको एग्री करवाता हूं आपको, अगर आप पिछले साल का अगर कट ऑफ देखेंगे, अगर एमटीएस का जो कट ऑफ था, एसएससी फेस 10 में जो एमटीएस कट ऑफ था जो 10th लेवल में किया जाता है, उसमें 150 था। जी हाँ, 150 प्लस का कट ऑफ वहां पे रखा गया था, 150 प्लस। अब आप सोच सकते हैं 150 प्लस में उसकी जो वैकेंसी थी 396 वैकेंसी उसकी कंप्लीट की गई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रूफ के तौर पे, ठीक है। कंप्लीट देखिएगा इस वीडियो को पूरा, आपको स्टेप स्टेप बताने वाला, देख लीजिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एमटीएस का यहाँ पे 155.32482 का आपका जो कट ऑफ यहाँ पे गया था। और हाई सेकेंडरी में डाटा एंट्री ऑपरेटर का 174 गया था और डाटा एंट्री ऑपरेटर 158। तो बोले सर यही कट ऑफ जाएगा कि नहीं, इस बार ये कट ऑफ नहीं जाएगा, डिपेंड करता है पिछले साल जो कट ऑफ था वो कम था, इस बार कट ऑफ आपका ज्यादा आया है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी पोस्ट वाइज, आपकी पोस्ट कितनी है और कट ऑफ कितनी है, ठीक है। ऐसा नहीं आपका कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखो आपका रीजन अलग है, पोस्ट कम है, ज्यादा लोग अप्लाई किए हैं, किसी किसी पोस्ट में ऐसा भी होगा जिस नॉर्थ रीजन होंगे, इस रीजन होंगे जिसमें आपके 170-175 बन रहे होंगे, लेकिन अप्लाई वाली जिसमें सिर्फ पोस्ट है, सिर्फ मान के चलो आपकी 15 या 20 पोस्ट है, ठीक है। तो उसमें मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि एवरेज आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए 10, 12 लेवल में, जिससे आपको सेव मार्क्स आपका रहने वाला है। मैं टोटल लेकर चल रहा हूँ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सब जितने भी रीजन है सब लेकर चल रहा हूँ मैं, और जितने भी आपकी पोस्ट है उस हिसाब से, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको एमटीएस की पोस्ट मिलेगी, आपको ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट मिलेगी, आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट मिलेगी, आपको स्टोर कीपर की पोस्ट मिलेगी, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। पोस्ट खाली होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे चीजों को, अगर आप 10th लेवल में है, 10th लेवल में जनरली कट ऑफ हाई जाने वाली है, चाहे कुछ भी कर लो, अगर आपके 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स, जी हाँ 140 प्लस आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस है। और नॉमिनेशन अगर आपके शिफ्ट का होता है तो यहाँ पे काफी अच्छी बात है, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं भी। ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे 130 प्लस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं 12th लेवल का, 12th लेवल का यहाँ पे जो 12th लेवल में जो एसएससी एचएसएल के बंदे काफी इसमें टूट पड़ेंगे इसमें, तो यहाँ पे ध्यान रखें, जो 2-1 के भी कंपटीशन ज्यादा रहते हैं सीएचएसएल के, तो अपने आपको कम मत कि अगर आपका रहता है तो 135 प्लस कहीं ना कहीं इनका रहने वाला है। ये एक एवरेजन कट ऑफ है, जी हाँ फ्रेंड, एक एवरेजन कट ऑफ है, जितना मुझे पोल के पता लगा है, जितना मुझे खुद एनालिसिस किया है, ये पोल के वाइज कट ऑफ है, आपके पोस्ट वाइज कट ऑफ है, आप रीजन वाइज कट ऑफ है, ये चीज ध्यान रखना। और ग्रेजुएशन लेवल में कम से कम मान के ग्रेजुएशन लेवल आपका बहुत रहने वाला है, क्योंकि उसमें सीजीएल के जो भर्तियां हैं काफी ज्यादा रहती है उसमें सीजीएल का, तो उसमें आपको यहाँ पे 160 प्लस मार्क्स कहीं ना कहीं आपको करने ही पड़ेंगे, अगर आपका एवरेजन कहीं ना कहीं रहता है तो 160 प्लस आपका रहना पड़े, इससे कम मुझे लगता नहीं है। अगर आपका 150-155 रो मार्क्स रहता है तो कहीं ना कहीं चांस आपके क्रिएट हो जाते हैं कि आपका चांस यहाँ पे बन जाए फेस 10 में, ठीक है। बाकी आपको कट ऑफ कैसा लगा, ये पूरी एनालिसिस था, पूरा 2 दिन का मेहनत था, कंप्लीट मैंने देखा चीजों को, समझा इस चीज को, फिर आपको मैं बता रहा हूँ इस चीज को। बाकी आप कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, बिल्कुल सही से कमेंट कीजिए आप कितने मार्क्स बन रहे हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, अगर वास्तव में भी आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब देखते हैं कितने लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।